हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिएक्टर अली, मेरा नाम है लेसन। वेलकम बैक टू एन अदर रिएक्शन वीडियो। सिद्धार्थ शुक्ला की बिग बॉस की जर्नी है। इससे पहले भी मैं रिएक्ट कर चुका हूँ आई गेस, बट वो ये वाला वीडियो नहीं था, वो एक और था। तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सिद्धार्थ शुक्ला के नेम से, उसमें बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, उसमें बहुत सारी वीडियोज हैं, तो आप जरूर चेक कीजिएगा। सो SS वर्ल्ड, इसका लिंक दिया था इस वीडियो का आपने इंस्टाग्राम पे, सो लेट्स वॉच आउट और फिर देखते हैं कि ये अनरिप्लेसेबल किंग जो है, इनकी जर्नी कैसी थी इस वीडियो में। लेट्स वॉच आउट। हम डिसाइड करते किसी के बोलने से थोड़ी होता है। रोल रोल रोल, आंखों आंसू तो आया है, चल बे, इट्स ओके, यू कैन बी इमोशनल ऑल्सो समटाइम्स। सूरज तेरा, इसकी चिट्ठी है, ओ हाथ से लिखी हुई है, वाओ। की मम्मी आ गई और हैप्पी मूड में रहने का, खुश रहने का और फुल हंसते में कितना अच्छा लगता है, हंसते रहने का, हमेशा खुशी रहो, खुशी रहो, खुशी रहो, बांटो। कमजोर डरपोक साला, सिद्धार्थ शुक्ला को हार बर्दाश्त नहीं होती। जब हम खेलते हैं तो हम खेलते हैं जीतने के लिए, पहली बार खेलते वक्त हम हार सकते हैं, लेकिन हम कमाते क्या है, दोनों ही उसमें रिस्पेक्ट। देवलीना, मेरे लिए सिद्धार्थ सर, सिद्धार्थ क्यों, सिद्धार्थ शुक्ला बिकॉज पिक्सर सिद्धार्थ, सिद्धार्थ को ये करेगा, मैं भी सिद्धार्थ को चुनता हूँ, मेरे लिए भी सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ शुक्ला। सभी घर वालों ने सिद्धार्थ को कैप्टन बनाने के लिए चुना है, इसलिए सिद्धार्थ बनते हैं घर के I'm gonna make it.
मैं हूँ ऐसा गंदा, ठीक है मैं वर्स्ट हूँ, ये ग्रेट है, इन लोगों का पेपर लगा दो पोस्टर, मैं ठीक हूँ राक्षस, आई एम फाइन, मैं जो हूँ मैं बहुत खुश हूँ अपने आप से और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यू कैन नॉट कीप पोकिंग, आई हैव बीन पोक्ड सिंस डे वन, इट्स बीन 3 months, इट्स नॉट दैट आई हैवन कंट्रोल्ड, आई हैव बिकॉज जस्ट आई एम ओल्ड टाइम सर, आपकी विषय जो भी है मायरा का जो भी अरे मैं बताओ बहुत अच्छा लगता है सब अच्छा अच्छा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा गाइड कर रहा था साक्षा तू रॉक स्टार है मेरे भाई बट आई विल स्टैंड बाय माय यू विल स्टैंड बाय आई नो यू विल स्टैंड बाय यू ऑलवेज स्टैंड फॉर द टीम सिद्धार्थ ये मेरा जंजीर का अमिताभ बच्चन है सिद्धार्थ बैंगरी यंग मैन चार पास्ते के लिए आई करो थी चार पास्ते के लिए खून बहाया है मेरे चार पास्ते के लिए आई थिंक हमको टाइफाइड होता है वो हॉस्पिटल सीधा भाग जाते हैं काम छोड़ देते हैं पर आपने तो बिग बॉस है प्रदेश होगा वंडर मैन हैट्स ऑफ इट्स रिस्पेक्ट जब यहाँ नहीं था तो उसके बारे में मेरे दिल में गलत सोच थी ये इंसान इसे भी झगड़े कर रहा है क्या कर रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है मगर जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि ये इंसान सही है और कहीं ना कहीं वो चीजें मिली है शो की वजह से उसको उतनी तकलीफ भी हुई है मगर उसमें वो बर्दाश्त करके आज फिर से वो अपने हंसते खेलते आ रहा है खड़ा हो गया है तो मैं चाहूंगा कि वो ऐसे ही खुश रहे आप अच्छे रहोगे उसके साथ तो वो हमेशा अच्छा रहेगा जब आप मेरे साथ बुरी तरह से रहोगे तो वो उससे भी बुरा आंखें दिखा सकता है तो हारने के बाद रेस में वो जाके गोल्ड मेडल ही चोरी करने आ रहे हैं बाहर लोग आप जब जाओगे तो समझ में आएगा सिद्धार्थ क्या होगा खबर निकली नहीं करना सिंपथी नहीं करनी है राजा से कई चाल चलता है सर मैं चाले नहीं चलता गेम में भले फिट नहीं हो लेकिन इस वक्त राजा आप पे बड़ा फिट है ओके थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच अनडिस्प्यूटेड राजा ओ वाओ क्या शानदार एडिट था ये बहुत मेहनत से एडिट किया गया बीच में कुछ शॉट्स थे जिसमें सिद्धार्थ को हर कोई जो कंटेस्टेंट्स थे वही क्रिटिसाइज किए जा रहे थे तो उन सब के वॉइस ओवर्स को जिस तरह एडिट किया गया वहाँ मैं बहुत इम्प्रेस हुआ ओवरऑल एडिटिंग शानदार थी आई गेस मैंने एक और जर्नी अपलोड की हुई है रिएक्शन दिया हुआ है सिद्धार्थ की बिग बॉस की बट ये वाली अमेजिंग थी सो लिंक देने के लिए बहुत शुक्रिया बिग बॉस में रहने के लिए एक जिगरा चाहिए होता है आपको ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए और बहुत सी जगहों पे आपको पेशेंस दिखाना होता है लोग आपको टीज करते हैं बट आपने पेशेंस के साथ उसको फेस करना होता है उसके बाद कुछ जगह पे आपको एग्रेशन भी दिखाना होता है जो गलत है उसको एग्रेशन दिखाना बनता है और गलत के साथ कभी सिद्धार्थ रुका नहीं जो उसके साथ अच्छा रहा उसके साथ हमेशा अच्छा रहा जिसने जो सिद्धार्थ को लगा कि ये गलत है या जिसने सिद्धार्थ को आंखें दिखाई सिद्धार्थ ने स्ट्रेट अवे उसको आंखें दिखाई सो ये वाला जिगरा भी चाहिए होता है यही वजह थी कि सिद्धार्थ नंबर वन कंटेस्टेंट थे और नंबर वन बन के गए और इसीलिए सिद्धार्थ को किंग भी कहा जाता है अनरिप्लेसेबल किंग शानदार जर्नी थी ये इसमें हर तरह के इमोशंस थे मैंने सिद्धार्थ को कभी रोते हुए नहीं देखा जितनी भी वीडियोस देखी हैं इसमें रोते हुए भी नजर आया इट वॉज एन अमेजिंग वीडियो थैंक यू सो मच फॉर सजेशन मिलते हैं किसी नरेशन के साथ तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद